रुक करते हैं विस्तार से अब गतिविधियों की ओर। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के सभी प्रशासनिक व विभागीय उच्च अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि इस बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों के आपसी समन्वय से विभिन्न कार्यों को गति प्रदान करना है और प्रत्येक सोमवार को नियमित तौर पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिला स्तर पर सभी प्रशासनिक व विभागीय उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि इस बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों के आपसी समन्वय से विभिन्न कार्यों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को नियमित तौर पर इस बैठक मंडे मीटिंग का आयोजन कर जनता से सीधे जुड़े मुद्दों तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और एक दूसरे के सहयोग से कार्य निष्पादित हो जाने से इसमें अनावश्यक देरी से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग के माध्यम से हमीरपुर जिला के शहरी व ज्यादा भीड़भाड़ वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोक निर्माण विभाग व स्थानीय निकायों के साथ मिलकर सड़कों के किनारे ऐसे स्थलों पर भूमि का सीमांकन करें और अगर वहां किसी भी तरह का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तुरंत हटाने के लिए प्रक्रिया आरंभ करें। उन्होंने नगर परिषद हमीरपुर सहित सभी स्थानीय निकायों से भी आग्रह किया है कि वे शहर से रेड़ी फड़ी के लिए निर्धारित स्थानों के बजाय स्थानीय बाजार में अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र व आसपास सड़कों के किनारे बनी नालियों में निर्बाध जल प्रवाह सुनिश्चित बनाएं। संबंधित विभाग बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में एक अभियान के रूप में कार्य करें। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति के लिए स्थापित जल भंडारण टैंकों की नियमित तौर पर साफ सफाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में पौधारोपण के लिए वन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार करे ताकि हरित क्षेत्र को बढ़ाया जा सके और भूमि संरक्षण की दिशा में भी प्रगति हो सके। बैठक में सहायक आयुक्त सुनैना शर्मा, उपमंडलाधिकारी हमीरपुर शशिपाल नेगी, पटसर विशाल शर्मा, नादौन दिले राम धीमान, सुजानपुर शिवदेव सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी सहित सभी विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।